यो गाय व्हाट्स अप यो यो कोई फर्क नहीं पैंदा तैनू बुढ़िया माइया नहीं होंगे Look at this man. ये सारा खा गई अकेली मुशावरी मुझे Oh shit. इधर से ले लो yeah. फटाफट फिर चलते हैं ईद हमने सारी ऐसे ही गुजार देनी शॉपिंग शॉपिंग करके और कोई काम नहीं था घर पे तैयार हो रही है बिरयानी ईद मुबारक टू एवरीवन आज थोड़ा लेट हो गया नमाज पढ़ते वक्त तो वीडियो नहीं बन सकी लेकिन अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर इंग्लिश किस्म का आ जाओ चलिए My favorite place. He's bringing me the muffins. Everything's good. Yep. I thought these come with the chocolate chips. Yeah, I'll grab some. Jack Roche Zadio. Full English kisam ka breakfast. Mega ji. Enjoy level scene. Pancake. Or chocolate milk. And waffle. ओए, ये जो चस्के स्वाद तबाइयां है ना नजारे हैं चेक करो यार यू वांट टू ईट दिस इज द लाइफ हाउ इज इट व्हाट दिस वाफल फ्रेशली बेक्ड And amazing taste. Fresh fruit. First time experience, but very amazing. Look at this man. ये सारा खा गया केली. मुशावरी मुझे. Oh shit. Oh shit. I love you. Yes? Yeah. Lo ji, apni second coffee hai ye. Nice. Yeah, man. गर्मी फुल पड़ रही है और हम जू देखने जा रहे हैं देखो हमारी तबीयत मूड की बात है क्या या जू में दिखानी है बकरियां हमने इधर ठीक है लेले बकरियां देखने के लिए हम जू में जा रहे हैं और उधर काफी सारी चीजें हैं लेकिन हमारे बेटे को शौक है बकरियों का मैं कहती हूँ मैं ले जाना पाकिस्तान के बकरियों के छड़ देना रज के वेख तू बकरियां अभी ईद होती है उधर पाकिस्तान में तो जितनी मर्जी बकरियां देखो हैं इधर हम जू में जा रहे हैं बकरियां देखने के लिए क्योंकि मेरे बेटे को बकरियां देखनी है लो जी चेक करो एग्जैक्टली लुक भी पाकिस्तान वाली इस एरिए की और गर्मी भी तूफानी किस्म की पाकिस्तान वाली पहाड़ी है इधर मैं क्या जनाब ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी दूर दराज इलाके में ड्राइव कर रहे हो और तूफानी किस्म की मुल्तानी जो है ना वो गर्मी है इधर मुल्तान वाला इलाका और वही उस टाइप की गर्मी फील हो रही है फुल गर्मी का सीन है यार आज ये देखो 31 डिग्री टेम्परेचर है तो यकीन मानो आपके इधर का 31 फील्स लाइक आप समझ लो कि 40-41 है ठीक है तो अभी जू भी जाना है तो उधर तो ज़्यादा गर्मी होगी क्योंकि खुला इलाका है तो धूप शूप भी फुल पड़ेगी उधर ठीक है तो चलो फिर अभी इधर से थोड़ी दूर है हम ड्राइव कर रहे हैं जाके तो दिखाता हूँ आपको जू अब लो जी अब टोटली डिफरेंट लुक है अब ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई ना वो सरगोधे जमालटिया के बाग लगे हो तो उत्थे आप ड्राइव कर रहे हो तो इंजॉयबल सीन नज़ारे हैं गर्मी फुल होए होए कड़ाके की तो उसके बाद जनाब देखो अब बकरियां देखने के लिए हम आ गए हैं इधर माय सन से आई वांट फीड द गोट आई वांट टू सी द गोट मैं चल फिर तेन वहा के लिया गोट
बकरियां देखना हम आ गए इतनी दूर यार। देखो आज गर्मी इतनी है, घर बैठने वाला मौसम था, चिल मारने वाला, लेकिन हम निकल आए बाहर। मैं कहा चलो कोई गल नहीं, खैर ये बाहर निकलना चाहिए, नो एग्जिट नो प्रॉब्लम। बाहर निकल आए जनाब, इधर से जनाब ये चेक करो हिल ऐसे है जैसे आप मरी की पहाड़ियों में घूम रहे हो। फुल जनाब भूल गए कूड़े वाले लेके नहीं गए। ओ हो चलो जी, अब आप देखो कि ए सेम आपको मरी वाली फीलिंग इधर मिलेगी जैसे आप किसी जनाब फुल पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए ऊपर से नजारे लेने के लिए। ओए होए 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 क्या है, आगे है क्या? ओह फक मैन, ओए होए होए ये देखो आप ड्राइविंग ऑन द वे बैक। ये हम ऐसे ही जैसे उधर उमसा में ड्राइव कर रहे हैं। ये जी भी एरिया यार ये तो। व्हाट्स अप विद द हिल, व्हाई इज देयर अ हिल? या ये हिल जो है ना ये इतनी नहीं है इधर, लेकिन ये किधर से इधर आ रही है यार। स्नो, हाउ वुड इट स्नो के अंदर ये रोड होता तो इधर गाड़ी ने, सही बात है, छलांगे मारनी थी, जंप करना था। बट द ट्रीज आर नाइस, चेक करो यार बहुत ही नाइस और प्यारे ट्री हैं ये। क्या बात है, वंडरफुल एंड वेरी फैंटास्टिक लुकिंग, यू नो यो एंड दैट्स द ज़ू। ओ गड़ियां वाओ, पिंडू कट्ठे हुए हैं इधर। चलो कोई बात नहीं, खैर ये इधर हम आ गए हैं, आप तो एंजॉय करेंगे। देख लो मैंने बोला था ना पिंडू मिलेंगे आपको। ये देखो ये पीकॉक है, मोर है, और ये देखो ये क्या है, ये इमो है। इमो इमो डार्लिंग, व्हाट्स अप, यू गुड? ये उन्होंने बताया कि इसको टच ना करो, ये इमो मारती भी है आगे से। आई शुड नॉट टू क्लोज, ओके? व्हाट इज दिस? वेट, यू माइट ड्रॉप इट लाइक लास्ट टाइम, रिमेंबर? तो जी ये ज़ू में हम एंटर हो रहे हैं, एंटर होते सारी ये देखो लाइन मॉल लाइन, इसका इन्होंने बनाया हुआ है एज, और आगे ये मंकीज माइक है ये देखो। ये मुर्गियाँ भी रुके अंदर हैं, वो तो हमारी गलियों में नजर आती हैं। ये क्या बुला है यार, लुक एट दिस मैन। आयशा ये मुझे लेने हैं, ये बंदर ला के रखने हैं मैं अपने कार। ओह नाइस, वो शहजादा वो कैच कर लिया जो पॉपकॉर्न उसने खाए, बड़ा होशियार मंकी है भाई। हेलो भाई, यार इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, चूहा है गलहरी है साली केड़ी क्या है ये, आई डोंट नो। बाकी जो भी है आ साला पूरा शरारती है, चेक करो इनू जुकाम लगे आज निछा मारदा। हेलो पर ठीक है? हां जी चला दियो, की हाल है? ठीक हो? दंद तो चेक करो ठीक हो? बॉडी हाल है यार नहीं। यो गाय व्हाट्स अप, यो यो कोई फर्क नहीं पैंदा तैनू। कंड कर ली तेरा कख ना रवे, तू तो लोग का भी लिहाज नहीं किया, दफा हो जाओ।
ये चेक करो बड़ी डिफरेंट किस्म की जनाब बकरियां हैं। नहीं नहीं मेरा मतलब है इरन है डियर है। वाह जी वाह एंजॉयबल थी मस्त माहौल एंजॉय कर रही हैं। ये हम ये पोनी एयर इनकी पोनी शोनी देखो नहीं नज़र आ रही लेकिन इनको पोनी एयर बोलते हैं ये क्योंकि छोटे होते हैं ना तो इसलिए इनका नाम ही पोनी एयर है। ठीक है इंजॉयबल सीन ये भी कुछ ज़्यादा हमें मुँह नहीं लगा रहे बाकी हम इनके पास आए हैं टाटा बाय बाय करेंगे इनको हेलो हाई करेंगे। हाँ जी की हाल है ठीक हो ईद इंजॉय कर रहे हो अपनी यो गाइस हेलो चीची। ये देखो इधर जनाब मोर जो हैं वो भी हैं मोर बकरियां ते घोड़े सब मिक्स करके छोड़े हैं इन्होंने मोर बकरियां ते घोड़े सब मिक्स करके छोड़े। ये देखो वाव हाय क्या हाल है आपका चीची चूचू नाइस टाटा बाय बाय। ये मौलवी साहब ने पुत्र पाकिस्तान होंदा हूं तक तो तेन छुरी फिर गई होनी सी। ये देखो ये सफाई चल रही है गोलियां की सफाई कर रही है इनके केज की। ठीक है ये देखो जामिल बोल रहा है ये देखो ये छोटी छोटी मुर्गियां भी हैं। ये देखो ये घोड़े हैं ये मोर ने अपना जनाब पारशार भी खोले हुए हैं। ये देखो स्पेशल मिलने हैं मेरा फ्रेंड। हाँ भाई चौधरी तू सुना तेरा की हाल है मोहन ठीक ठाक है ना की करता वजदा है फुल इंजॉय ले। नहीं ये बंदा सही है ये मिले थानू इन्हें पूरा प्रोटोकॉल दिया हमें मिल के जनाब पूछा चाय पानी का बाकी सारे आकड़े ने ए बंदा गोडे ओ तेरी खैर हो जाए इसको चेक करो तू मामा कितने चढ़े हैं उत्ते इसको देखो ये जनाब ऊपर से घूम के नीचे आया अभी ये इसके आकड़ ही नहीं मान है उत्ते चढ़े हैं तू तेनू बड़ी हशियारी आई ये सारे। ये देखो ये अरे पाडे खां ओ हो ये जनाब पाडे खां ये उधर से दौड़ के आई है। हेलो जानू क्या हाल है आपका ठीक हो क्या कर रही हो आप आजकल किधर हो हैं आंधी बड़ी गर्मी है जा किधर छावे जाके बैठ इमेजिन करो यारे ऊपर से धार मारे मारे ऊपर कपड़े तो गंदे हो जाए सारे हैं नहीं नहीं ये धार वाला नहीं है ये धार वाली है ये बकरी है जी बकरा नहीं है ये जनाबे वाली इसको ऊपर चढ़ के गर्मी नहीं लग रही तेनू ये आकड़ी इन कोई परवाह नहीं आंधी लगे आपस ही लगे रहो मैनू ना छेड़ो। हेलो अल्पाका इट्स नॉट अ लामा इट्स अ अल्पाका 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 हेलो 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 अल्पाका अल्पाका तो ऐसी नहीं है बुढ़िया माइयां नहीं होती हैं अल्पाका उफो जी हेलो आंटी लो जी मुझे नींद आ रही है चेक करो ये शीप्स हैं शीप्स जो हमारे उधर भेडू होते हैं ना क्या उसको बोलते हैं छतरे छुतरे ये वो हैं उनके बेचारे उत्थे कुर्बानी तो लगे होने। चलो जी ईद का दिन ऐसे ही घूम फिर के हमने गुजारा चल मस्ती मौज इंजॉय ताकि घर बैठने से अच्छा है बाहर निकलो मस्तियां करो इंजॉय करो नज़ारे लो बुले लो जो यार वो इतनी दूर से वाक कर करके हम आए इधर घोड़े देखने के लिए ते घोड़े साले पता नहीं कितने टूट गए। ये देखो यार ये कितने ज्यादा इधर जो है ना आ गए एकदम हमारे पास इनको क्या चाहिए ओ बस बस चोरी बस। ये देखो ये हिरन है हिरन की कोई ब्रीड है ये काफी ज्यादा है लेकिन दूर दूर जाकर बैठी हुई। आज गर्मी बहुत ज्यादा है और हम आ गए हुए हैं इधर लेकिन ये सीज़न बेसिकली ये जो लोग होते हैं फार्मर्स ये बहुत इंजॉय करते हैं इसको बोलते हैं बैक यार्ड सीज़न गार्डन सीज़न इसके अंदर बैठ के चिल मारते हैं ये इन्होंने बड़े खर्चे उसे किए होते हैं अपने बैक यार्ड पर बैठने का सीन बनाया होता है बाहर आउटिंग वाउटिंग करते हैं तो हम लोग तो ज़्यादा गर्मी को इंजॉय ना करते ये लोग बड़ा इंजॉय करते हैं गर्मी को और हमारी माता बजी हुई है थक गए हैं पूरी तरह मैं निकल सारे तू की हमें तंग की थे। ये देखो ये बकरियां चिल मार रही इंजॉय कर रही हैं ये
ये देखो इन्होंने बकरियों के लिए क्या बंदोबस्त किया जनाब। वो बेसिकली पहाड़ी शाड़ी बकरियाँ होंगी ना, तो उन्होंने उनके लिए जो पहाड़ी टाइप ही बना दी है कि ऊपर नीचे छलांगे मारे। ये देखो है ये इन्होंने भैन चौधरी सूरों घर बना के दिते ने। ओह वाह, ये पिग्स के लिए इन्होंने ये बनाया सारा माहौल, पानी शानी छप्पड़ छुप्पड़ इकट्ठा करके दिया। गंद में खुश रहते हैं ना इनको, फिर गंद बना दिया उन्होंने। ये घर बनाया उन्होंने उसके लिए पिग्स के लिए। वो पीछे भी हैं, वो देखो वो सोए सुते ने। वो एवं थोड़ी वो बोलते हैं, वो कहते हैं ना पंजाबी कि वो सूरां सुते ही रहते, उस हिसाब इधर से सूर सुते ही रहते। ये देखो चेक करो सोए हुए हैं। ये देखो ये पिगी पिग है। हेलो पिग है ये, ठीक है। ये जो सूर होते हैं ना पिग, ये वो है छोटे वाला, छोटे साइज का अपकमिंग। Look at these guys. Hi, is the kangaroo. The kangaroo with me. Oh shit. The kangaroo. The kangaroo like me or not? Kangaroo, bye-bye. ये देखो ये कैंगरू उतर आया हुआ, इसको प्यास लगी थी, पानी पी रहा आके। कैंगरू कैंगरू गैंग पूरा ही इधर बैठा हुआ है। शराबे वाली सारे कठे होकर रेस्ट कर रहे हैं भाई, चिल मार रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं जनाब। कैंगरू गैंग पूरा। अच्छा उसकी पॉकेट में बचा है वो यार, है ना वो देखो, ओ देखो यार उसकी पॉकेट में बचा है। ये सामने वाली कैंगरू मदर की, वो नीचे जो है या इस बेबी, ये ओ पार ही उठे, ये भी उठे हैं, ये भी जो है ना इनकी भी कुछ बच्चे बुच्चे होने वाले हैं। ये भी प्लानिंग कर रही हैं कि क्या करना है आगे। वो भार ही सुते ने, सुस्ती च पे ने। वो देखो वो इंजॉय कर रहा है, वो सोच रहा है मैंने क्या खाना है, किधर मैंने जाना है। ये गवाचे है, पता नहीं मैं कैसे आ गया। हेलो भाईजान, मतलब चल निकल मामा, तू की सब तंग किए है, जा किसी होर जा के छेड़। लेडी इधर ट्रैक्टर चला रही है, साढ़े उत्तर पुछा कौन चलाते हैं जट का ट्रैक्टर। ये देखो गोरी का ट्रैक्टर खुद चला रही है इधर, जो अवेलेबल सीन चल रहा है इधर। ये देखो ये बंदे इनको खाना शाना भी खिलाते हैं इधर, जैसे ये बंदा खिला रहा है हमें भी खिलाया। और ये आगे ये ट्रैक्टर के ऊपर इनको खाना जो है ना बांट रहे हैं। जी जरूर मिलांगे दोबारा तुहानू। यस बॉस, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम आई विल हग यू, नो प्रॉब्लम, टुडे आई एम नॉट फीलिंग गुड, नेक्स्ट टाइम। डन, ओ जी डन फॉर टुडे। जू टूर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। या जू को ये चेक करो, इसको किधर पार्किंग में छोड़ दिया हाँ जी शहजादियो, अब आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कैसा लगा आपको जू। बेसिकली साढ़े रिश्तेदारी बन गए ने जू वाले भी, मजा आया यार हमें तो बहुत ज्यादा। तो आप बताओ आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट क्या प्लान करें, किधर जाएं यार, को दसिया करो यार, को कमेंट शमेंट मारा करो ना कि क्या करना चाहिए जिंदगी को एंजॉय करने के लिए, और क्या किया जाए। इन्होंने रैकून बनाया हुआ उसके ऊपर। नहीं पक्की बात, इधर से ही हमने जाना है कि आगे से जाना था। Look at the hill, man. ये हिल मुझे ऐसे जैसे उसकी बल्तिस्तान की गिलगित की याद कराती है। सही बात है यार। Like, look how high it is. Yeah. ऐसे ही लगता है जैसे उसी रोड के ऊपर आ गए हैं। वो जो था ना वो यातावाद वाला, वो क्या नाम था उसका, उमदा वाला, करीमाबाद, करीमाबाद वाला यार, लगता है जैसे सेम वही रोड है। सही बात है। So high up, no? Yeah. It's very nice road.
with very nice view, trees and the hilly road, the lake, very nice, beautiful. I just didn't know you wanted it. Why I never ordered. Almond milk dal lo hai acha hai mujhe nahi pata tha maine socha ye maybe nahi dalte honge isliye good yeah like this amyo it tastes good and it's healthy and everything is good yeah yeah try karo ji bada mazedar hai jiske swad ne pure almond milk yeah मैं कहा चलो पाकिस्तान होते सरदाई सरदू ही पीनी थी उन्हें आलमंड मिल्क पा के पीने वेदर बहुत नाइस बना हुआ था उस टाइम लेकिन अभी जो है ना एकदम गर्मी बड़ी है हमने भी फिर शीशे ऊपर करके एसी छोड़ दिया हमने कहा चलो की पेट्रोल बचाना या Did you like the goats? नहीं निकाला नहीं है मैप पे जाना किधर है नहीं ते मेनू तो एवी मैं गड्डी भजाई जान लगे यार दसो को गल करन वाली निकालो रास्ता है मेरे को नहीं पता जाना किधर है ओके या आई थॉट यू न्यू नो आई डोंट नो मैन ये अपनी सिटी नहीं है सिटी से बाहर निकले हुए हैं जी थोड़ा सा आगे पीछे दूर किसी इलाके में लो जी अभी हम पहुंच गए हैं मॉल के पास मॉल की बेसिकली एंट्रेंस पे क्योंकि अभी इधर से कपड़े लेने हैं लेके तो फिर हम जाएंगे शॉपिंग चालू ठीक है सुबह निकले हैं ब्रेकफास्ट किया है ब्रेकफास्ट करके जू गए हैं जू से अब कपड़े लेने आ गए हैं बिजी डे ये देखो ये है जी हॉल इसके अंदर जा रहे हैं चलो जी मॉल की एंट्रेंस है ये घुसते सारी फूड कोर्ट में हम आ गए हैं अभी हमें भूख नहीं लगी लेकिन फूड कोर्ट आप देख लो Look at your dad. इधर से ले लो yeah. फटाफट फिर चलते हैं ईद हमने सारी ऐसे ही गुजार देनी शॉपिंग शुपिंग करके और कोई काम नहीं सानू लोग ईद से पता नहीं की करते हैं दावतां खाते हैं किसी किसी जाते हैं चेक करो जरा कार्ड शार्ड ड्रेसिंग वाइज अच्छी की है मैंने जो है लेवल सीन थोड़ा इस लूज फिटिंग ली है ड्रेसिंग स्टाइल चेंज किया है क्योंकि एवरी टाइम मैं थोड़ा फिटिंग ही पहनता हूँ आज थोड़ा लूज कपड़े पहने हैं चेक करो हाँ जरा ठीक है काम का नहीं इंजॉयलेबल सीन है कि नहीं क्या लो जी घंटा हो गया हमें घूमते फिरते और शॉपिंग चल रही है ऐसी पीछे पीछे देख रहे हैं कि क्या लेना है क्या नहीं लेना बेसिकली मर्दों की शॉपिंग होती है ये उठाओ ये उठाओ ये उठाओ बिल बनाओ तो घर जाओ ठीक है और लेडीज़ की जो है ना वो पसंद थोड़ी सी आगे पीछे करके ये देखो वो देखो ये साइज़ नहीं है इसके अंदर कलर नहीं है इसके अंदर वो नहीं ठीक इसकी मैचिंग होनी चाहिए इसका कलर कॉन्ट्रास्ट बनाओ ये करो बड़े लंबे स्यापे होते हैं यार चलो फंस गए अब क्या करें अभी चल रही है शॉपिंग ये H&M का स्टोर है और उधर हम बस इधर से उधर इधर से इधर घूम रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं कि क्या चल रहा है शॉपिंग में लाओ जी एक स्टोर से निकले हैं अब हम जा रहे हैं दूसरे स्टोर में और उसमें जाके देखें कि कोई चीज़ पसंद आती है कि नहीं आती ये बड़े मसले हैं यार इधर कि आपको एक स्टोर से पता नहीं पसंद आए ना आए पता नहीं कितने का स्टोर में दूसरे में घुस ये देखो इधर आप कस्टम बनवा सकते हो टी शर्ट और कैप भी बनवा सकते हो आप यानी के अंदर से धुएँ निकल रहे हैं मुँह में पानी आ रहा है मैं कह रही तबाहियाँ ओह जिम जाने तक जिम नहीं कर रहा बैठ बंदा खा ले लेकिन हमारे आने तक पक जाएगी चलो इसको बनने दो आके फिर आराम से खा बेसिकली बिरयानी पक रही है तो हमने जाना है जिम ठीक है तो चक्कर ये है कि आज की हमारी प्री वर्कआउट मील हमने शेकर में डाल ली है प्रोटीन इसको रास्ते में जाते जाते पीते हैं तो आके अपनी चीट मील बिरयानी चेक करो नज़ारे अभी ये बेसिकली सीन कुछ ऐसे आज ईद का डे था तो मैं क्या वर्कआउट तो नहीं छोड़ना क्योंकि वर्कआउट इसलिए नहीं छोड़ना चीट मील वीट मील करनी है तो फिर उसके लिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी है नहीं तो बॉडी की शेप ख़राब हो जाएगी और फैट जमा हो जाएगा फिर सेकंड डे वैसे ही नहीं दिल करता जाने को इसलिए
वर्कआउट भी कर रहे हैं और चीट मील भी कर रहे हैं, मजे भी लेने, फिर मजे पूरे भी करने हैं। तो चलो फिर चलते हैं, चल के शोल्डर का वर्कआउट मारते हैं फुल तगड़े वाला, ताकि जो इधर उधर का माल खाना है ना वो डाइजेस्ट हो जाए अच्छे से, हेल्थ भी खराब ना हो और मजे भी लेने हैं जो वो भी बंदा ले ले, सही है कि नहीं। शेकर में डाली प्रोटीन और भागने वाली बात की बस। आज एक अंडा पड़ा था उसको फटाफट जो बॉयल था उसको खाया और निकलने वाली बात की है, वीडियो बना ही नहीं सका मैं। शहजादे हो देख लो, आज भी हमने अपनी गुड लाइफ जान से बेवफाई नहीं की है, ईद वाले दिन भी आ गया जिम। देख लो आज भी हमने गुड लाइफ से बेवफाई नहीं की, हम पहुंच गए हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना शोल्डर का वर्कआउट, तगड़ा मार के जाना आज, क्योंकि चीट मिलना शीलां रेडी हो रही हैं तो जल के वो भी खानी है। घर पे तैयार हो रही है बिरयानी, मतलब समझते हो कि नहीं कि इधर हमने बिरयानी वाला माहौल बना के जाना ताकि बिरयानी हजम हो जाए। चलो फिर शुरू हो जाओ। लो मेरे शहजादे बिरयानी विद लेग पीस अजम। अब हम करेंगे जो मीठा शीठा खाना है उसके लिए को बंदोबस्त, मेरा मतलब है थोड़ी सी और एक्सरसाइज करके फिर निकलिए भूख लग गई। जी शहजादे हो, अब हमने बिरयानी के साथ साथ मीठे का स्वीट डिश का भी बंदोबस्त कर दिया, क्योंकि बंदे के मूड का पता थोड़ी होता है, ठीक है कि नहीं। तो ईद के लिए पूरा प्रोग्राम सेट है, अब जो मर्जी खाओ, चिल मारो, एंजॉय करो, क्योंकि जगह बन गई है अब, यू नो। तो इस तरह आप खा सकते हो अपनी मर्जी की डिशेस अगर खानी है तो। चलो अब निकलते हैं, भूख टाइट वाली लगती है। मेरे शहजादे हो, बेसिकली ये है बॉडी बिल्डिंग के, आपको अपनी मर्जी की डिशेस खाने के लिए, बिरयानी शिरयानी मीठे शीठे खाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बड़ी मेहनतें शेहनतें करनी पड़ती हैं, बिरयानी के लिए जगह बनानी पड़ती है, फिर आप बिरयानी खा सकते हो, ठीक है।
अगर आप रोज इतनी मेहनत कर सकते हो कि बिरयानी को आप हजम करके बिरयानी की जो है ना वो पूरी जो है वो लेयर को बर्न कर जाओ इधर, तो फिर खाओ बिरयानी, रज के खाओ, जितनी मर्जी खाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई रौला नहीं, ठीक है। तो ये अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते फिर बिरयानी जो है वो आपको जलील कर देती है, यकीन मानो आपकी टेढ़ी बाहर निकाल देती है। अब सबर की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, पहुंचने वाले हैं हम घर, घर जाके आराम से जनाब अपनी बिरयानी खाएंगे, एंजॉय करेंगे, चिल मारेंगे, क्योंकि हमने बिरयानी के लिए मेहनत बड़ी की है आज। तो चलो फिर घर मुलाकात करते हैं बिरयानी से जाके। लो जी, इस बिरयानी के लिए आपको पता है हमने कितनी मेहनत की है, 2.5 से 3 घंटे का वर्कआउट, उसके बाद 30 से 40 मिनट का कार्डियो, फिर ये नसीब हुई है, ये चेक करो बिरयानी, आए खाए खाए बिरयानी, मुंह च पानी, ओ तूफानी, ओए होए होए। घर आते ही मैं क्या कराओ मेरी मुलाकात बिरयानी दे नाल, जिसके लिए मैं इतना ज्यादा काम करके आया हूँ, कढ़ो मेरी बिरयानी, किथे बिरयानी, ओए होए होए, बिरयानियां सामने आंदे आ सारी, दिल की खुशी बता नहीं सकता आपको, कितनी खुशी है इसको देख के, ये मेरी बिरयानी। लो जी, मैं तो करूंगा बिरयानी को एंजॉय। आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।